बात करेंगे। इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, आपको बता दें कि हर तरफ इस फिल्म की चर्चा करते लोग पाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी सांसद गोपाल सेट्टी द्वारा कांदीवली के रघुलीला मॉल में द कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में करीब 850 से अधिक लोग शामिल हुए। फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन सभी पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद गोपाल सेट्टी ने कहा कि लोग अपने पैसे से टिकट लेकर इस फिल्म को देखने आए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से कश्मीरी पंडितों को 5 लाख रुपये देने का ऐलान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के माध्यम से पूरा वातावरण बदल गया है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। वहीं इस फिल्म को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर गोपाल सेट्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर भी गोपाल सेट्टी ने करारा जवाब दिया। उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक, आमदारों का अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छा 850 लोगों का आज रघुलीला मॉल में तीनों हॉल में फिल्म दिखाने की व्यवस्था द कश्मीर फाइल्स की है। आज के कार्यक्रम की विशेषता यह है कि लोगों ने अपने पैसे से टिकट तो लिए, लेकिन टिकट के साथ साथ में अपने पैसे देकर एक 5 लाख रुपये का निधि जो कश्मीरी पीड़ित है उनको देने का भी तय किया है। पूरे देश में जिन जिन राज्यों ने कश्मीर फाइल का टैक्स फ्री किया है उनका अभिनंदन जो कर नहीं पाए उनके भाग्य में नहीं था, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन मेरा ये स्वयं का ये मानना है कि हमने पिक्चर के पैसे के साथ साथ में कश्मीरी पीड़ितों को कुछ मदद भी करना चाहिए, इसलिए उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने यह पहल लेकर मैं मानता हूँ कि 5 लाख रुपये का हम चेक देंगे, ताकि आने वाले दिनों में पूरे देश के लोगों ने ये परंपरा को स्वीकारते हुए देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी और हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को इतना मजबूत करना चाहिए ताकि दुनिया के किसी भी देश के लोगों का भारत देश के और गलत नज़रिया से देखने का उनका हिम्मत ना है। इस प्रकार की एक मानसिकता देशवासियों को तैयार करने की हम सबकी जवाबदारी है। मैं मानता हूं कि कश्मीर फाइल के माध्यम से एक पूरा वातावरण बदल गया है।